अगर आपके या आपके किसी परिचित के वोटर कार्ड में कोई भी गलती है, चाहे वो नाम में हो, एड्रेस में हो या किसी भी प्रकार की गलती है, फोटो आप चेंज करवाना चाहते हैं या आप नया वोट बनवाना चाहते हैं या आपके परिवार का कोई भी सदस्य एक जगह से दूसरी जगह पे उसका एड्रेस चेंज हो गया है और आप अब अपना वोट वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आप डिलीट करवाना चाहते हैं वोटर लिस्ट से, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है और जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट थे कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वोटर्स ने वोटर वेरिफिकेशन का जो काम था वो कंप्लीट कर लिया है और उनको उनका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया है। परंतु जो एक मेन समस्या आती है वो ये कि उनके नाम में जो गलती थी वो वोटर वेरिफिकेशन कर लेने के बाद भी वो गलती ज्यों की त्यों है, तो वो कैसे ठीक होगी? या उन्होंने फैमिली मेम्बर्स का वेरिफिकेशन तो कर दिया है परंतु वोटर वेरिफिकेशन के दौरान फैमिली मेम्बर्स के किसी नाम में किसी भी चीज़ में गलती ठीक करने की उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई। जो भी डिटेल्स एडिट का काम है वो आप घर बैठे बहुत ही इजीली अपने मोबाइल से या वेब पोर्टल की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर कहीं पे किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। दूसरा, ध्यान रखें कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। इसमें होता क्या है कि हम एक स्टेप या दो स्टेप कई बार मिस कर जाते हैं और उसी के कारण फिर प्रॉब्लम आती है। प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो कमेंट्स आए वो लगभग ऐसे ही थे जो वीडियो स्किप करने की वजह से आए। इसके लिए सबसे पहले आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मतदाता सेवा पोर्टल के ऊपर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए आपको अपनी आईडी डालनी है, उसके बाद इसके नीचे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद जो ये कैप्चा आया हुआ है ये आपको एंटर करना है इस बॉक्स के अंदर। जैसे ही आप इस बॉक्स के अंदर कैप्चा एंटर करेंगे उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। ये देखिए, वेब पोर्टल ओपन होने के बाद जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है फ्रेश इंक्लूजन एनरोलमेंट। अगर आप कोई नया वोट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद माइग्रेशन टू अदर नदर प्लेस, अगर आपका वोट कहीं शिफ्ट हो गया है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य या आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तो जो दूसरा ऑप्शन जो नीले कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। तीसरा जो ऑप्शन हुआ है यहाँ पे करेक्शन इन पर्सनल डिटेल, अगर आप पर्सनल डिटेल के अंदर कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे आपके नाम के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट सेल्फ या फैमिली, अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को आप डिलीट करवाना चाहते हैं, आपके परिवार में अब वो नहीं है, तो उसको यहाँ से डिलीट करवाया जा सकता है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले करूँगा क्योंकि मुझे कमेंट मिला था कि माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, एक लड़की है उसकी शादी हो जाती है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन, मुझे कमेंट किया गया कि उसको डिलीट करें या फिर माइग्रेट करें एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आप माइग्रेट कर लें, आप एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करवाएं और उसकी पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप चेक कर दें, डिटेल्स को जो भी होंगी वो आप मॉडिफाई कर दें, तो इस तरीके से किया जा सकता है। या फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा बनवाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लेंथी काम है, तो बेस्ट वे यही रहेगा आप उसको माइग्रेट करें एक जगह से दूसरी जगह पे। तो चलिए और शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम की। इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। ये नया पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स, दूसरा है पोलिंग स्टेशन फीडबैक, तीसरा है फैमिली लिस्टिंग एंड ऑथेंटिकेशन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है अन एनरोल्ड फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद पोलिंग स्टेशन की फीडबैक और उसके बाद लास्ट में अन एनरोल्ड फैमिली मेम्बर अगर कोई है तो वो देखेंगे सारा उसमें। तो सबसे पहले वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब एक नया पेज फिर से ओपन होगा जो दिखाएगा आपकी डिटेल्स, उसमें वेरीफाई माई डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो चेंज है उसको वेरीफाई करें यहाँ पे,
अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पर डाल दें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड अबो इज़ करेक्ट, इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड अबो नीड्स करेक्शन। अगर करेक्शन चाहते हैं कोई आप, तो इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, आप किस चीज़ में चेंज करना चाहते हैं आपको ये दिखाई देंगे। तो जिस चीज़ को भी आप चेंज करना चाहते हैं, नेम, एज, जो भी चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर क्लिक करें और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके लिए पहले आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखें या उसकी फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखें, और यहाँ पे जो ये ऑप्शन बना हुआ है ब्राउज, इसके ऊपर क्लिक करके और इस तरीके से इसको अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद नेम और सरनेम जो भी डिटेल्स हैं वो एंटर कर दें, प्लेस आप एंटर करें जहाँ से भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और लास्ट में व्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू। तो जो भी आपका प्रीव्यू होगा, जो आप चेंज करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट विंडो में आपको दिखाई देगा इस तरह से फॉर्म 8। ये करेक्शन के लिए होता है, एंट्रीज़ के लिए होता है फॉर्म 8। आप कोई भी करेक्शन, नेम में हो, एज में हो, किसी भी टाइप के आप करेक्शन करेंगे तो आपको फॉर्म 8 दिखाई देगा। ये काम आप वेरिफिकेशन के बाद भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले अगर आपके नेम वगैरह में कहीं पे कोई गलती है तो वेरिफिकेशन से पहले या बाद में किसी भी टाइम पे इसको किया जा सकता है। अब ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा, यू हैव कंप्लीटेड योर वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग पोलिंग स्टेशन सजेशंस, क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, जो मैंने डिटेल्स दी डाली थी वो है कि नहीं। तो देखिए जैसे ही हम करेक्शन के लिए डालते हैं तो नीचे एक रेफरेंस नंबर हमें मिलता है, इस रेफरेंस नंबर के ऊपर अगर क्लिक करें तो हमें वही सारी डिटेल्स दिखाई देंगी जो वहाँ पे हमने डाली हैं। ये रेफरेंस नंबर है उसके लिए, ये सेव करके रखें, यही आपको बताएगा कि आपकी करेक्शन का स्टेटस क्या है। भविष्य में स्टेटस जानने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, जो भी डिटेल्स होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे क्लिक करें, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के फीडबैक हम बाद में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स को कैसे ऐड करें, फैमिली लिस्टिंग एंड ऑथेंटिकेशन, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उसको आप लिस्ट करना चाहते हैं, उन सबको वेरीफाई करना चाहते हैं, फैमिली जो ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें। फैमिली लिस्टिंग एंड ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को लिस्ट कर लें, लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, एपिक नंबर डालें फैमिली मेंबर, जो भी आपका फैमिली मेंबर है उसका एपिक नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अब इसके बाद ऐड फैमिली के ऊपर क्लिक कर दें, तो जो भी मेंबर होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन डालना है कि इस कैंडिडेट के साथ आपका रिलेशन क्या है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, स्टेइंग विद यू, नॉट स्टेइंग विद यू, तो इसमें स्टेइंग विद यू के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखिए, अब जितना भी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई फैमिली मेंबर डिसेबिलिटी के साथ है तो यस के ऊपर क्लिक कर दें, अदरवाइज इसको नो रहने दें। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है, हाँ यू हैव प्रोवाइडेड योर फैमिली डिटेल्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, क्लिक हियर। आपकी फैमिली डिटेल्स जो हैं वो कंप्लीट आ चुकी हैं, वेरीफाई हो चुकी, आप ऐड कर चुके हैं, और उनको वेरिफिकेशन के लिए इस ग्रीन बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। ध्यान रखें ये ग्रीन बटन यहाँ पे फैमिली अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, फैमिली वेरिफिकेशन के लिए आपको इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। व्यू डिटेल्स, ये वेरीफाई हो चुका है, सबमिटेड हो चुका है। अब ये फैमिली मेंबर जो था इसकी डिटेल पेंडिंग है अभी, तो उसके लिए वेरीफाई डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दें। ये डिटेल्स जो भी आपको दिखाई देंगी वो सारे के सारे डिटेल्स इसमें दिखेंगी। यहाँ पे ऑप्शन आया है इन्फॉर्म डिस्प्लेड अबो इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड अबो नीड्स करेक्शन। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो उसके लिए अबो इज करेक्ट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो जो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट डिटेल्स के अंदर एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सारी ओके हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप, यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, अपलोड ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट कीजिए आपको क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड या राशन कार्ड कोई भी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये एंटर करने के बाद आपको फाइल को चूज करना है, जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं। ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे दिखाई देगा, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर दें, अदरवाइज ये रहने दें और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। फैमिली वेरिफिकेशन, ये देखिए ये डिटेल्स दोनों सबमिट हो चुकी हैं और इस तरीके से ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब उसके बाद फिर से एक बार EVP होम के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर था, अब आप पोलिंग स्टेशन की फीडबैक हम फिल करेंगे तो इसके ऊपर नो कर दें और उसके बाद सबमिट कर दें। यहाँ से हमने देखा कि सभी वेरिफिकेशन कंप्लीट, सारे प्रोसेस कर लेने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करूँ, अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, दो दो का ऑप्शन हमने किया, दो के वीडियोस बनाए, दोनों ही में हमने देखा ऐप के थ्रू हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जो वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, और वेब पोर्टल पे वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। अब आपने वेरिफिकेशन वेब पोर्टल पे कर लिया है तो क्या आपको ऐप पे करना भी ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि तीनों में से किसी भी एक माध्यम से, चाहे आप ऑफलाइन करना चाहें CSC पे जाके करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन करना चाहें तो वेब पोर्टल के ऊपर, या आप ऐप के ऊपर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप दोबारा भी वेरीफाई कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर जाएं, वहाँ पे सभी डिटेल्स को वेरीफाई करें, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उसके लिए जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे मैंने डिटेल्स बताई थी आपको करना क्या है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड सभी वीडियोज़ का मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला है, तो इसको अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स और सभी परिचितों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको लगता है आपको बेनिफिट मिला है तो वो भी बेनिफिट ले सकें और अपने इस सुविधा को यूज़ कर सकें। अगर आपका कोई सुझाव है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए हैं, यानी कि आपका जो घर है, जो आपका वोटिंग स्टेशन है, जो पोलिंग स्टेशन है, वो आपका किसी गांव में है और आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या कोई और काम से कहीं बाहर रहते हैं, तो क्या आप वहां पे भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं? उसके लिए आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, वो सारी कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।